नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कूलर का जो मोटर होती है दोस्तों, पानी की मोटर होती है, उसका पंप होता है, तो उसको इजीली आप घर बैठे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारी जो कूलर होती है उसकी जो मोटर है पानी की, वो अक्सर खराब हो जाती है, चलना बंद हो जाती है या कम पानी देती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको फेंक देते हैं और नई मोटर बाजार से लेकर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसको फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज हम ऐसा तरीका आपको, ऐसा ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, आप घर बैठे दोस्तों उसी मोटर को दोस्तों फ्री में घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि हम कैसे और क्यों बता रहे हैं कि आप घर बैठे उसको फ्री में कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहना है, और जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी कई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं इस वाली मोटर की, कैंडी कंपनी की दोस्तों मोटर है, समर्सेबल पंप है। तो दोस्तों इसकी बात करने वाले हैं, तो दोस्तों इसको रिपेयर करने का, अगर आपके इस टाइप की मोटर हो या इस टाइप की हो दोस्तों, या इस टाइप की आपको दिख रहा होगा, इस टाइप की अगर मोटर हो, इस टाइप का हो, तो दोस्तों आप इनको इजीली घर बैठे ठीक कैसे कर सकते हैं, उनको के बारे में दोस्तों आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे, वीडियो को कर रहे हैं शुरू। तो इस तरह का पंप है दोस्तों, अक्सर कभी आपने देखा है कि इसके अंदर ऐसा आता क्या है कि जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। खराब होने का दोस्तों एक मेन कारण ये है कि हमारे घरों में आजकल पानी जो है उसके फ्लोराइड बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लोराइड की वजह से दोस्तों ये खराब होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से मोटर चलना बंद हो जाती है दोस्तों, तो दोस्तों हम बताने वाले हैं, दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के लिए दोस्तों हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसके अंदर ऐसा है क्या, तो दोस्तों इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों ये पर ये निकलेगी, ये दोस्तों मोटर है। इसके अंदर जो चुम्बक टाइप का है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चुम्बक टाइप का दोस्तों लगा हुआ है, और इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ भी इसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन पानी की मोटर दोस्तों यूज़ में ले रहे हैं दोस्तों, ये पानी देना बंद कर देता है दोस्तों। आपको पता है कि फ्लोराइड बहुत ज़्यादा हमारे घरों में पानी के रूप में दोस्तों आ रहा है, तो दोस्तों उसकी वजह से दोस्तों क्या है कि इसके ऊपर जो ये आपको देखो ब्लैक लेयर दिख रही होगी आपको, इसके ऊपर दोस्तों फ्लोराइड जम जाता है। आप देखा होगा कभी, आप कभी घर बैठे खोल के देखना इसको, इसके अंदर दोस्तों फ्लोराइड जम जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों इसको पूर्ण गति नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से नहीं ये घूमता है और जाम हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों कभी आप देखते होंगे चल चलते बंद होता है, फिर अपन मोटर को मतलब कि टक्कर मारते तब जाते चल जाता है। दोस्तों आप इसे क्या करें, इसके ऊपर जो फ्लोराइड जम जाता है दोस्तों, उसको आप दोस्तों रेगमाल के द्वारा या सूती कपड़े के द्वारा उसको दोस्तों पूरा साफ़ कर ले, पूरा दोस्तों साफ़ करने के बाद, और उसके पूरा साफ़ करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर दो बूंद ऑयल की आप डालें, और उसे पूरी तरह साफ़ करके फिर दोबारा दोस्तों इसके अंदर आप ऐसे लगा सकते हैं। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, दोबारा कभी पंप ख़राब नहीं होगा, और अगर ख़राब होता है तो आप इजीली इसी तरीके दोस्तों आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों आप घर बैठे आप चेक करके देख सकते हो, अगर ये ट्रिक्स काम ना करे तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के द्वारा दोस्तों दूसरी मोटर पर भी दोस्तों हम नज़र लगाते हैं, और उसे भी दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना। तो देखिए दोस्तों इसको भी हमने ओपन कर लिया दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों टिकते, इसमें अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको दिख जाएगा इस तरह की डिजाइन जो बनी होगी, तो दोस्तों आप समझ जाना कि इधर से ओपन होने का सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों दोनों साइड से सिस्टम आता है, एक तरफ केबल का आता है और एक तरफ इसका आता है। तो दोस्तों इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको ओपन कर दिया है, दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों इसमें ख़राब कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये जो है इसके ऊपर फ्लोराइड जम जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों घूम नहीं पाता है, और घूमेगा नहीं तो दोस्तों पानी ऊपर कैसे देगा, तो दोस्तों जाम हो जाता है और गुरगुर गुर की आवाज़ आएगी, ओनली कंपनी की आवाज़ इसमें आती है। तो दोस्तों आप इसे पूरी तरह साफ़ करें, साफ़ करने के बाद दोस्तों आप दोबारा इजिली उसी तरीके से चला सकते हैं जिस तरीके से दोस्तों नया पंप काम करता है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कंपनी रिप्लेसमेंट इसमें दे रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, या तो इसको रिप्लेसमेंट कर रहा है तो दोस्तों आप उसको ही रिपेयर करके, क्या पता उसको ही सुधार के वापसी हमारे पास भेज देता हो। तो दोस्तों आप क्यों ना घर बैठे इसे ठीक करें, अगर दोस्तों जैसे सीजन ही गारंटी आई, एक सीजन में दोस्तों आपने कूलर चले अगले सीजन में दोस्तों रखे रखे अगर ख़राब हो गया तो आप क्या हर बार नया पंप लेते फिरोगे क्या,
आप घर बैठे भी तो आसानी से इसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से घर बैठे इसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब आपके करने से दोस्तों हम मोटिवेट होते हैं और भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल मनीष वीडियो टैग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।